मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ केसर पिस्ता बादाम मिल्क शेक, और आप इसे हर मौसम में पी सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ड्रिंक है। इसे बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए ड्रिंक बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ पे मैं भिगा हुआ बादाम ली हूँ, इसका मैं छिलका निकाल ली हूँ, इसे रात भर भिगो करके रखी हुई थी। और यहाँ पे पिस्ता ली हूँ, 15 पिस्ता है और 15 बादाम है, और 10 से 15 केसर के धागे हैं जिसे मैं दूध में भिगो ली थी, और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और 1 गिलास दूध और कंडेंस मिल्क। अगर आपको कंडेंस मिल्क नहीं डालना है तो आप यहाँ पे चीनी भी डाल सकते हैं, पर कंडेंस मिल्क डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अभी ले लेना है एक जार, जार में डाल देना है बादाम को और पिस्ता को, और थोड़ा सा दूध डाल करके इसे पीस लेना है। 3 से 4 चम्मच इसमें दूध डाल देना है और इसे पीस लेना है एकदम बारीक। यहाँ पे मैं पिस्ता और बादाम को रात भर भिगो करके रखी हुई थी। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे गर्म पानी में भिगो दें 3 से 4 घंटे के लिए। जब इसका स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाए, यानी इसका छिलका एकदम नरम हो जाए, तब इसे छील करके आप इसका मिल्क शेक बना सकते हैं। और आपको लगे कि इसमें काजू भी ऐड करना चाहिए तो आप बिल्कुल काजू भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। उसे भी भिगा करके पीस लेना है साथ में ही। और यहाँ पे मैं इसे पीस चुकी हूँ, आप देख सकते हैं कितना बारीक पीस करके तैयार हुआ है। एकदम बारीक पीस करके तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी केसर दूध। केसर दूध डालने से कलर बहुत ही अच्छा आता है, टेस्ट तो बहुत ही अच्छा लगता है केसर का। और इसमें डालूंगी 2 बड़ा चम्मच कंडेंस मिल्क, या फिर आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें कम ज़्यादा मीठा ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और 1 गिलास दूध। दूध यहाँ पे ठंडा ही लें, नहीं तो आप इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। अभी तो गर्मी का टाइम चल रहा है तो इसमें ठंडा ठंडा आइस क्यूब डाल करके पीसेंगे तो पीने में बहुत ही मज़ा आता है। मैं यहाँ पे अभी इसे पीस चुकी हूँ, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ बन करके ये रेडी हुआ है। केसर बादाम पिस्ता मिल्क शेक बन करके अभी रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी लेना है 1 गिलास। गिलास में आप डाल दें आइस क्यूब। आइस क्यूब डालने के बाद इसे गिलास में निकाल लें मिल्क शेक को, और इसे ठंडा ठंडा एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे एक बार बना करके जरूर ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, इसे बनाने में कोई भी झंझट नहीं है, और बच्चों से लेकर के बड़ों तक को पसंद आएगा।